अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड। बच्चे रोज़ फरमाइश करते हैं कुछ ना कुछ नया खाने की, और एज़ अ मदर आई हैव टू कुक समथिंग न्यू। और आजकल पिज़्ज़ा भी इतनी आसानी से हम लोग अलाउ नहीं कर रहे बाहर के खाने, तो मैंने कहा आपसे आज आपको बताऊं कि मैं कैसे बनाती हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ास। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैंने ग्रिल पैन लिया है, इसको थोड़ा हॉट कर दिया है। इसमें मैं करूंगी थोड़ा सा हल्का सा, मैं स्प्रे ऑयल करती हूँ। ठीक है, ये मैंने ब्रेड टोस्ट कर ली। ठीक है, ब्रेड टोस्ट हो रही है, 2 मिनट लगेंगे ब्रेड टोस्ट होने में। आप चाहें तो इसको अगर नरम रखना है तो इसके ऊपर एक और ऑयल का स्प्रे हल्का सा कर दें, अगर आप इसको कड़क रखना चाहते हैं थिन क्रस्ट टाइप तो आप इसके ऊपर स्प्रे नहीं करेंगे। मार्किंग ज़रूरी है। ये देखिए इतनी खूबसूरत सी आ गई है, अब मैं उतार रही हूँ, आपको उतार के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, गरम गरम है। अब मैं इस पे लगाऊंगी अपना पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने घर का बनाया हुआ है। पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन अपने पसंद के हिसाब से लगाएं, जो जो पिज़्ज़ा में आपको पसंद है आप वो डाल लें, कभी कीमा डाल लें, कीमा के चंक्स, नहीं तो चिकन के चंक्स, कीमा श्रेड्स या चिकन चंक्स, कुछ भी जो आपको पसंद है। लेकिन थोड़े थोड़े ना कॉर्नर्स आप खाली रहने दीजिएगा। देखिए इस तरह से ग्रिल हो गया, रखो दूसरा हो गया। आप ये सादा इस तरह से लगा लें। ठीक है, अच्छा मैं बना रही हूँ 2 व्हाइट ब्रेड और एक मैं आपको एक पेयर बना रही हूँ ब्राउन ब्रेड का, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं या ज़रा सा कम डाइजेशन प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड जो हैं ज़रा स्ट्रिक्ट हैं फूड के मामले में, तो वो उनके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड बनाई है, बच्चों के लिए मैंने वाइट ब्रेड बनाई है। ठीक है, तो ये मेरे ब्राउन ब्रेड के पीसेस हैं और ये वाइट ब्रेड है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी अनियन, सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ मुझे इस पिज़्ज़ा में लगती है कॉर्न्स और स्वीट कॉर्न्स ऑफ कोर्स और ऑलिव्स। मशरूम मेरे घर में कोई नहीं खाता इसलिए मैं नहीं डाल रही, लेकिन अगर आप डालना चाहें, मेरा बेटा खाता है लेकिन अभी वो क्या कहते हैं अभी मूड में नहीं है, उसने मना किया स्पेसिफिकली। इसके साथ ही अगर आप चाहें चिकन चंक्स डाल दें, ये बेटा पकड़ना थोड़ा सा मेरी हेल्प करो। ठीक है, चिकन चंक्स डाल दें। ये है चेडर चीज़, इसको मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी काट काट के। बेसिकली मोज़रेला जो खाते हैं हम लोग, मोज़रेला लेस बनाती है, लेकिन जो टेस्ट आता है चीज़ का वो चेडर का होता है। चीज़ का टेस्ट जो है वो चेडर करती है। ये हो गया। ठीक है, ये मैंने स्लाइस डाल दिए। अब मैं इस पे डालूंगी स्वीट कॉर्न्स, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, स्वीट कॉर्न्स डाल दिए। अच्छा ठीक है,